अरे ए, 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 ए। आराम से आराम से क्या दोस्त एवरी वन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो मैं भी बढ़िया हूँ। एंड आज है संडे, एंड आज होगा संडे राइड। तो आज हम लोगों का जो प्लान है गाइस वो बना ढूरवा डैम तरफ जाने का। सो ढूरवा डैम जो है वो रांची साइड पड़ता है, जो मेरे घर से 45 किलोमीटर है। एंड आज उधर ही प्लान बना है। सो अभी उधर ही जाएंगे अपने ग्रुप जो है, तो वो अभी पतरातू में वेट करे। तो अभी पहले मैं जा रहा हूँ पतरातू, एंड उसके बाद जो है उसके बाद में मतलब मेरे को एक्स्ट्रा जाना पड़ जाएगा पतरातू, पहले 30 किलोमीटर, एंड उसके बाद जो 45 किलोमीटर अपने को एक्स्ट्रा जाना होगा। सो कोई नहीं, एंड पहले जाता हूँ पतरातू, एंड उसके बाद अपने ग्रुप से मीटअप करता हूँ, मतलब अपने ग्रुप्स के साथ मिलता हूँ, और उसके बाद जो हम लोग निकलते हैं ढूरवा डैम तरफ। तो अभी आप लोग पहले मैं फ्यूल भरवाऊँगा, एंड उसके बाद जो है पतरातू। तो आप लोग देख बने रहने इस ब्लॉग में एंड तक, और तब आते हैं बाइक को पूरा रेंज में, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। तो गाइस फाइनली बुरकुंडा पहुंच गए। पूरा गाड़ी मतलब फुल थ्रॉटल में लाया हूँ गाइस, एंड साइलेंसर का जो पूरा गर्म हो गया, वो सो आवाज ही चेंज अब निकल रहा है। एंड आगे अभी पहले गाइस फ्यूल भरवाते, बिकॉज एक ही सेल है, और मेरे को तो कम उम्मीद लग रहा था कि इतना ये चलेगा। मेरे को लगा था क्योंकि जिस हिसाब से मैंने गाड़ी को रेंज में भगाया है, उस हिसाब से लो फ्यूल नहीं हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ, थैंक गॉड। एंड अभी जाते हैं एंड फ्यूल भरवाते हैं इसमें। फाइनली अब पहले फ्यूल भरवाता हूँ गाइस, एंड उसके बाद जो है गाड़ी को पूरा फुल स्पीड में फुल थ्रॉटल में भगाएंगे। एक्सपी दीजिएगा 320 का। हाँ, फाइनली फ्यूल अप हो गया, एंड 2 सेल और भरा तो चल जाएगा, एंड उसके बाद देखता हूँ भरवाना पड़ता है कि नहीं।
तो गाइस अब मिलते हैं, डायरेक्ट आपको पता मैं अपने ग्रुप के साथ। तब तक के लिए मैं जो रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मिलता हूँ मैं अब डायरेक्ट। अब फाइनली मैं तो पहुँच गया यहाँ, एंड अब जाता हूँ धुरवा डैम साइड। एंड पतरातू में जो था सब मेरा वेट कर रहा था, मेरे ही चलते सब रुके हुए थे, तो अब भगाया जाए यहाँ से डायरेक्ट धुरवा डैम तरफ। एंड विली गाइज, विली एमटी का विली देखो आप लोग। नाइस ब्रो। विली मारता है गाइज सब हेवी। एंड मेरा फ्यूल का भी गाइज एक सेल खत्म हो गया है, बहुत जल्दी हो गया पता नहीं क्यों। ग्रुप में अपने ग्रुप साथ चलने में ना गाइस थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बेस्ट लग गया। विली अभी इसका चलेगा गाइस। आइट क्या है, भी मारता है गाइस ये विली और लंबा ले जाता है ये, मानना पड़ेगा उसको। मतलब अरे 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 ए ए ए ए आराम से आराम से आराम से गाड़ी में लग गया। चलो आगे चलो भाई साहब, कार में डायरेक्ट जाके ढोक दिया गया। एंड ओवर स्पीड के कारण ना गया इसको, क्या है कि कंट्रोल जो बोलूँगा कंट्रोल अच्छा किया ये अपने बाइक को। और मतलब मैं आपको दिखा दूंगा वो क्लिप जैसा हुआ था। कंट्रोल अच्छा था गाइस, अगर दूसरा न्यू बंदा रहता तो अनकंट्रोल हो जाके पटका जाता जाकर। एंड नाइस ब्रो, कंट्रोल अच्छा किया तुमने। और ये है धुरवा डैम, सो लुक वाइज अच्छा है। एंड मतलब
अच्छा है गाइस, देखने में व्यू भी अच्छा है। तो अभी आप लोग देखना, आगे जाके रुकेंगे हम लोग। तो गाइस सामने का व्यू देखो आप लोग, एंड क्या ही मस्त लग रहा है सामने बाइक का लाइनअप। और इधर का व्यू चेक करो, ये है धुरवा डैम। और अब जाएंगे विधानसभा तरफ, एंड उधर बिजली ये सब चलेगा तो आप लोग से आप बिजली देखने को मिलेगा। तो इधर से प्लाट देखो आप लोग, क्या ही मस्त लग रहा है बाइक का लाइनअप। और सो गाइस फाइनली विधानसभा आ गए, एंड आगे अभी विली चलेगा तो रिएक्शन देखने को मस्त मिलेगा। सो मैं भी ट्राई करता हूँ। मस्त उठा गाइस, मारना पड़ेगा। विली लग रही है गाइस एक नंबर। मारू चोट लगा इनको। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, अपने को ही डर लग रहा थोड़ा विली मारने में। तो काफ़ी चोट लग गया, पेट पास लगा है एंड पैर में लगा है। तो यहीं पे बैंडेज ये सब करवा लें बिकॉज हम लोग का बाइक में था। आरके 24 ब्लॉग, 24 ब्लॉग। सो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं बिकॉज दो दो बार क्रैश हो गया है, एंड फर्स्ट बार तो वो व्हीली में गिरे और सेकेंड बार जो उन्हीं का मतलब सीट में खड़ा हो गए थे वो, जिसके कारण बैलेंस नहीं बनने कारण है कि उनका जो है क्रैश हुआ दूसरा बार। एंड इसलिए हम लोग जा रहे बिकॉज ना तो वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सही बात नहीं अगर गिरेंगे ज़्यादा। तो क्या दोस्त लगा नहीं ना तुमको लगा क्या रे अरे कौन है भाई साहब आज क्या ऐसे मत किधर किधर तरफ किधर हेलमेट एक मिनट अरे तो वही थी ना हाथ इतने तो होता क्या कि जान रहा है अगला रुपये का ऐसे नहीं दिखे रहा थोड़ी मामी करता है फिर भी भाई लोग रुकिए 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 वैसे लोग
सो गाइस फाइनली मेरा भी क्रैश हो ही गया एंड मैं व्हीली मारा और अचानक जब गाड़ी स्लो होती है तो जो है पीछे से पल्सर वाले मेरे को हिट कर दिए, जिसके कारण मेरे को सिर्फ पैर हैंडल के पास फंस गया था। तो बस पैर में थोड़ा मोच टाइप का आया, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ एंड गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ। और तो अभी मैं पीछे पिलियन बनकर बैठा हूँ बिकॉज मैं पीछे का ब्रेक नहीं ले पाऊँगा, मेरे पैर में थोड़ा चोट आया है तो मैं पीछे का ब्रेक नहीं ले पाऊँगा। एंड आज का दिन खराब है गाइस, मैं समझ रहा हूँ आज का दिन खराब है। सो ठीक है गाइस, जब मैं तो बना नहीं पाऊँगा ब्लॉग एंड ब्लॉग जो यहीं पे एंड करता हूँ और मैं जाके अभी पेन किलर थोड़ा ले लेता हूँ बिकॉज पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। एंड पीछे से ठोका ना गाइस, मतलब क्या बोलूँ उस समय मेरा। सो ठीक है गाइस, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। सो एंड सपोर्ट भी करना गाइस, बिकॉज बहुत दिक्कत होता है संडे राइड में, डर रहता ही है गाइस कब क्या होगा, आई डोंट नो, किसी को नहीं मालूम है क्या होता है संडे राइड में, क्या कौन गिरेगा कौन नहीं पड़ेगा। एंड मेरा व्हीली क्रैश नहीं हुआ गाइस, बस मैं व्हीली मारा उसका बाद जो है टायर जब मेरा नीचे हुआ, मतलब तब उसी टाइम जो बाइक स्लो हो जाती उसी में जो है वो पीछे से ठोक दिया, तो उसी कारण जो है हो गया। सो कोई नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम एंड अपना ख्याल रखना। और ये सब जो है गाइस मैं अपने रिस्क पर करता हूँ, इसलिए आप लोग ट्राई करो तो ठीक है एंड अपने रिस्क पर करना, मैं बोलूँगा मेरे के लिए मैं अपने रिस्क पर करता हूँ।